तो शोल्डर के भी कई शेड्यूल हो सकते हैं आपके, कई कॉम्बिनेशन होते हैं हो सकते हैं एक्सरसाइज के, जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया कुछ 5-6 एक्सरसाइज, 6-7 एक्सरसाइज इस वीडियो में है। उनके अलावा और भी मूवमेंट्स होते हैं शोल्डर के लिए, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, लेकिन मेन जो आपने फोकस करना है, देखो सबसे बड़ा मसला आपका साइड डेल्ट और फ्रंट डेल्ट और रियर डेल्ट, ये थोड़े से छोटे हैं, तो आपका मेजर जो आपका वर्कआउट होगा ना उसमें फोकस रहेगा साइड डेल्ट पे। ओवरहेड प्रेसेस डंबल से करें, बारबल से करें, फ्रंट या रियर भी कर सकते हैं अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा, तो ये आपके ओवरऑल डेल्ट पे असर डालेगी, लेकिन साइड डेल्ट पे ज्यादा इनका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर जो आप डंबल से प्रेसेस करते हैं। दो एक्सरसाइज ओवरहेड प्रेस होगी आपकी, फिर एक साइड के लिए अलग से आइसोलेशन मूवमेंट, जैसे डंबल साइड या केबल से भी कर सकते हैं, और फ्रंट और रियर डेल्ट में एक या दो एक्सरसाइज आप स्विच कर सकते हैं, एक वर्कआउट में फ्रंट को कर लिया आपने, एक में रियर डेल्ट को कर लिया, लेकिन ओवरहेड प्रेसेज और लेटर रेज ये हर वर्कआउट में रहेगा आपका। अगर आप एक कंप्लीट शोल्डर चाहते हैं 3D लुक जिसमें आपका एक राउंड शेप शोल्डर हो, तो आप इस तरीके से अपना वर्कआउट को डिजाइन कर सकते हैं। और मैं फिर बार-बार बोलता हूं आपको, कंपाउंड मूवमेंट जितना भी ओवरहेड प्रेसेज है 2 मिनट के आसपास रेस्ट रखें, जो आइसोलेशन मूवमेंट है वो 1 मिनट का रेस्ट काफी है। रहा बात ट्रेपेजियस आपका और ये रोम्बॉइड पूरा बैक तक जाता है मसल, ये बैक का मसल है वैसे, शोल्डर का नहीं है, आप इसको चाहें तो शोल्डर के साथ या बैक के साथ ट्रेन कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। थैंक यू।